नमस्कार साथी, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। चलिए दोस्तों, अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। तो आज है 26 अगस्त, टाइम हो रहा दिन के 2 बज रहे हैं और लाइव मार्केट ओपन है। और अभी एक शेयर है जिसके अंदर काफ़ी लोग समझते थे, इन्होंने अपर लेवल पर बाय किया हुआ है, बट ये मल्टी बैगर बनेगा डेफिनेटली आने वाले तीन साल के अंदर मल्टी बैगर होगा ये, क्योंकि इस शेयर के अंदर फीचर दिख रहा है, इस सेक्टर के अंदर फीचर है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी को लेके गवर्नमेंट भी और बाकी लोग भी इन्वायरमेंट को लेके बहुत एग्रेसिव हैं और हर कोई चाहता है इन्वायरमेंट को कैसे सेव किया जाए। तो उसमें ग्रीन एनर्जी को बनाने, यानी बिजली का उत्पाद जो करना है ग्रीन ही तरीके से करना है, इन्वायरमेंट को सेव करके, यानी इन्वायरमेंट को हार्म ना करके बचाना है। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं, समझते हैं कौन सा वो शेयर है, कौन सी वो कंपनी है। तो मैंने कंपनी गूगल पर ओपन कर रखा है, कंपनी का नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। कंपनी बेसिकली वर्क करती क्या है, वही ग्रीन एनर्जी का वर्क करती है। आज इसका ट्रेडिंग देखते हैं, आज ट्रेडिंग क्या कर रही है। ओपन होती है 6 रुपये 10 पैसे पे, हाई मारती है 6 रुपये 15 पैसे का, लो मारती है 5 रुपये 95 पैसे का। इसका 52 हाई है 9 रुपये 45 पैसे का, 52 लो है 2 रुपये 70 पैसे का। तो ये कंपनी का ओवरव्यू होगा, कंपनी का पूरा, यानी 52 हाई और लो का ये समझ लिया हमने। अब कंपनी की मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो ये देखिए कंपनी का वर्किंग क्या है। कंपनी ये देखिए विंड एयर के जो इक्विपमेंट होते हैं उनको बनाती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कंपनी की, देखिए नंबर वन इंडिया रिन्यूएबल सेक्टर है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर काम करता है, नंबर वन इन इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया इसकी, इन्होंने कैपेसिटी कितने का इंस्टॉल कर रखे हैं, 1800 से प्लस इनके कस्टमर है ग्लोबली, इन क्योंकि कंपनी सब्सिडरी के साथ, इसके साथ बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। तो कंपनी का यह है विंड के साथ वर्किंग करती है, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब समझते हैं और इसके अंदर क्या हो सकता है। ये पावर जनरेट करती हैं विंड के द्वारा, विंड टर्बाइन के द्वारा ये एनर्जी रिन्यूअल का वर्क करती है, एनर्जी बनाती है। तो इनका ग्लोबली है, ये कंपनी ग्लोबली वर्किंग कर रही है, इंडिया के अंदर भी कई सारे सब्सिडरी कंपनी के साथ वर्किंग है, मैं आपको और भी समझाता हूँ आगे। अब देखते हैं भाई कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का ये देखिए मार्केट कैप है 5430 करोड़ का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू भी माइनस में चल रहा है क्योंकि कंपनी के, और भी देखते हैं क्या है, ROIC सही है, ठीक है, फेस वैल्यू 2 रुपये की है। ये देखिए कंपनी अपना कर्जा, सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है किसी भी कंपनी में ग्रो करने के लिए, सबसे पहले जो उस पर कर्जा यानी जो उस पर लाइबिलिटीज है उसको कम करें। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस द डिबेट, यानी कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है। कंपनी क्वार्टर वाइज रिजल्ट अच्छे दे रही है। मुझे लगता है कि आने वाले अब भी जो क्वार्टर आएगा, ठीक है, अब जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो उसमें मेरे को लगता है कंपनी और भी सितंबर का रिजल्ट जो आएगा उसमें और अच्छे रिटर्न देगी और अच्छा प्रॉफिट दिखाएगी। अब समझते हैं, ये देखिए अभी इसने 14 अगस्त को इन्हें रिजल्ट दिया था जून क्वार्टर का, तो जून क्वार्टर में इन्हें 154 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। अब ईयर बाई ईयर देखेंगे तो 2020 के अंदर जून के अंदर 91 करोड़ का था, उससे प्रॉफिट ही है, ठीक है, 70% से ऊपर ही प्रॉफिट अर्न किया। मगर मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मार्च में 196 का प्रॉफिट दिया था, वही जून में थोड़ा डाउन दिया है। क्वार्टर देखेंगे भाई, ईयर वायर देखेंगे तो प्रॉफिट मेकिंग है। अब देखिए एक चीज़ और समझने वाली है, प्रॉफिटेबल टैक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखिए इसमें नेट प्रॉफिट आया 5 करोड़ रुपये का, और इसमें देखिए 59 करोड़ का माइनस में थे, दिसंबर में भी माइनस में चल रहा था, सितंबर के अंदर से इसमें अप ट्रेंड आया, जब देखा सितंबर में ये 7 रुपये 8 रुपये पहुँच चुका था, क्योंकि उस टाइम पर इसने जो प्रॉफिट दिखाया था, क्योंकि इसका ROE EPS सब कुछ एवरेज में आ गया था क्योंकि इसका सारा कर्जा खत्म हो गया था। बट कंपनी है, लार्ज कंपनी है, इसमें कर्जे उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। मेरे को लगता है हमारे जिस तरह से कर्जे कम कर रही है, देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे इसका EPS देखिए, यहाँ पे दिसंबर के अंदर 14 था, -0.14, मार्च के अंदर 50% कम हुआ, मार्च क्वार्टर के अंदर 0.7, और देखिए जून क्वार्टर के अंदर और भी कम कर दिया इसने, और भी 50, यानी 0. आने वाले मेरे को लगता है कि EPS इसका अर्निंग पर शेयर की EPS जो है इसका ग्रो पॉजिटिव में जाएगा, तो डेफिनेटली कब शेयर अप ट्रेंड की तरफ भागेगा। हम जो इन्वेस्टर होते हैं हम EPS को और कंपनी का ओवरव्यू और सेल्स और प्रॉफिट देख के ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमें EPS हर शेयर का देखना चाहिए कि इसका EPS कितना जा रहा है, ठीक है। ये हो गया, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कंपनी के बारे में, समझने वाली चीज़ है कंपनी के बारे में, और देखते हैं। ये देखिए एक PDF ओपन हो रहा है जो क्वार्टर रिजल्ट आया था उसके बारे में, अब समझिए। ये देखिए अब देखिए ये कंपनी सब्सिडरी के अंदर कितनी सारी कंपनी साथ वर्किंग है, ये समझिए। देखिए जो रिजल्ट आया था, देखिए यानी कि इसके साथ साथ ये देखिए कितनी सारी कंपनी हैं जो इसके साथ
सब्सिडरी में काम कर रही है जिसके साथ एनर्जी सेक्टर पे यानी रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के साथ वर्क कर रही है स्विट्जरलैंड के साथ साथ इंडिया के अंदर, आउट ऑफ इंडिया यूएसए, पुर्तगाल यानी बहुत रोमानिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, इंडिया यानी कि नदरलैंड, वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबल वाइड इनका बिजनेस है। ये देखिए सब्सिडरी हैं सारी, ठीक है, एसोसिएट हैं, कुछ जॉइंट वेंचर के साथ वर्किंग कर रही है। ये चीज़ें बस समझने वाली होती हैं कि कंपनियों के साथ कौन कौन सी कंपनी जॉइंट वेंचर के अंदर काम कर रही है, ये सारी चीज़ें बस समझने वाली होती हैं। क्योंकि देखिए कंपनी में लॉस तो कहीं होगा नहीं, ठीक है, कंपनी में कहीं लॉस नहीं होगा, कंपनी डूबेगी ही नहीं क्योंकि कंपनी के साथ और भी साथ कंपनी वर्जिंग में है और कंपनी में ग्रोथ होगी डेफिनेटली, आज कर्जे में कर्जे से बाहर आएगी, आने वाले 2 या 3 साल में मल्टी बैगर जरूर बनेगा शेयर, जिस तरह से क्वार्टर वाइज के रिजल्ट में ग्रो आ रही है डेफिनेटली ये मल्टी बैगर बनेगा, ठीक है। ये देखिए आप कितनी सारी कंपनी इसके साथ 47+ कंपनी इसके साथ वर्किंग कर रही है। और जो अभी इसका क्वार्टर रिजल्ट आया इसके अंदर अभी दो कंट्री का रिजल्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट किया गया है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इसमें समझने वाली बात है। अब इसके साथ दो कंट्री का रिजल्ट, साउथ अफ्रीका शायद एक और कंपनी इसका रिजल्ट अभी इन्होंने साथ मर्जिंग नहीं हुई, इनकम जो अर्निंग होती है वो मर्ज नहीं करी इस रिजल्ट के अंदर, वो आने वाले वीक यानी कि 30 तारीख तक वो भी इसके साथ ऐड कर दी जाएगी, तो शायद इसमें प्रॉफिटेबल यानी कि इसका EPS में और भी ग्रो आ जाएगी। आप समझते हैं कंपनी के बारे में और चीज़ें क्या थी, ईयर बाई ईयर समझ जाता हूँ मैं आपको, ईयर बाई ईयर ये देखिए 2021 के अंदर मार्च के अंदर इसने 534 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था। इसका EPS भी देखिए 0.12 पहुंच गया है, वही मार्च 2020 के अंदर देखिए -4.97, इसलिए इसके अंदर ग्रोथ तेज़ी आई थी। और जब तेज़ी आई थी मार्च रिजल्ट के अंदर जब भी लोगों ने इसमें बाय कर लिया था, अब देखिए अब क्वार्टर बाई क्वार्टर इसने ये देखिए क्वार्टर बाई क्वार्टर इसने जो रिजल्ट दिया था उसके अंदर इसने गिरावट दी थी मार्च के अंदर, इसलिए डाउन हो गया था। ये चीज़ समझनी चाहिए, क्वार्टर बाई रिजल्ट को आपको देखना चाहिए क्योंकि पहली शेयर के अंदर हमें हर चीज़ साफ समझ के करनी पड़ती है, ठीक है। ये देखिए ईयर वे देखिए प्रॉफिट दिखाया इसने, मुझे लगता है कि मार्च 2022 के अंदर ये और भी प्रॉफिट दिखाएगा, जिस तरह से 2021 के अंदर जो 2021 के अंदर दिखाया इसने प्रॉफिटेबल, ऐसे ही 2022 के अंदर भी प्रॉफिटेबल दिखाएगा मार्च ईयर रिजल्ट के अंदर, ठीक है। ये तो हो गया कंपनी का। अब देखिए चार्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं, अब चार्ट पे क्या है, ये देखिए मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा है। देखिए ये जो शेयर गिरेगा ना, ये शेयर 4.5 रुपये तक का डाउनफॉल दिखा सकता है, मगर हम इसमें डेफिनेटली बाय करेंगे तो इसमें मेरे को लगता है मल्टी बैगर जाएगा, और अपने हिसाब से इसमें बाय करिए और अपने हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुक करिए। बस मैं बता रहा हूँ 4.5 रुपये से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर सपोर्ट अच्छी बनी हुई है 4.5 रुपये के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे 4.5 रुपये पे बहुत अच्छी सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ पे 4.5 रुपये पे इस पर सपोर्ट बनी हुई है। ये देखिए मई के अंदर यानी मार्च अप्रैल में मई के अंदर इसमें अच्छा अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे सपोर्ट है, यहीं पे क्रॉस ब्रेकआउट हुआ था, तो जब तक ये 4.5 से नीचे नहीं जाता इसमें घबराने वाली बात नहीं, इसमें और भी अप ट्रेंड आएंगे डेफिनेटली। जैसे जैसे निफ्टी और मिड कैप निफ्टी भागेगा वैसे वैसे ये शेयर भी भागेगा। आई होप इसमें आप पेशेंस साथ बने रहेंगे तो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर बनेगा, और अपने हिसाब से इन्वेस्ट करिए, अपने हिसाब से इसमें मैं बस आपको बता रहा हूँ 4.5 रुपये से नीचे नहीं जाएगा, जब ये 4.5 से नीचे जाएगा तो 2 रुपये तक के लेवल दिखाएगा ये, तो 4.5 रुपये से ऊपर जब भी ट्रेड कर रहा है तो आप सेफली इसमें एंट्री मार सकते हैं, और लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसमें पैसा लगा भूल जाइए, आपको मल्टी बैगर जरूर बनेगा शेयर, क्योंकि कंपनी का जो काम है बहुत अच्छा है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, ग्रीन एनर्जी को लेके, डेफिनेटली इसका फ्यूचर अच्छा है जिस सेक्टर के अंदर कंपनी वर्क कर रही है। कंपनी जैसे कर्जे से बाहर आएगी तो इसमें और भी अप ट्रेंड आएंगे। आई होप ये वीडियो आपके यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।